नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुरैना की बड़ी खबर के साथ, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे के बाद में परिजनों ने चक्का जाम कर दिया और परिजन काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो अम्बा बाईपास पर चक्का जाम किया गया, जहाँ मौके पर भाली पुलिस बल भी मौजूद है। जहाँ मृतक के परिजन ने पुलिस पर आरोप लगाया है, अम्बा बाईपास पर चक्का जाम परिजनों के द्वारा किया गया है। मुरैना से खबर, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत होने के बाद में जो परिजन है वो काफी गुस्साए हुए हैं और इसी के मद्देनजर चक्का जाम कर दिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, लगातार समझाइश दी जा रही है। आपको बता दें कि मृतक के परिजन ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। तो मुरैना से खबर, तस्वीरें सामने आ गई है, देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो परिजन है उनमें रोष व्याप्त है और साथ ही यहाँ पर ग्रामीण जन भी इकट्ठे हो गए हैं और गुस्सा इनमें व्याप्त है। जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस पर लगाम लगाने के लिए ग्रामीण जन में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही पुलिस प्रशासन की पूरी टीम भी, अनुपमा, हम देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल अस्मिता, और देखा जाए तो युवक की मौत के बाद में परिजन काफी गुस्से के साथ ही साथ आप तस्वीरें में देख सकते हैं कि इस प्रकार से वो काफी दुखी भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में विनोद, हमारे संवाददाता जुड़ गए। विनोद, सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई है, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है, कैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? जी, मॉर्निंग में स्वयं मजदूरी के लिए जा रहा था, उसी दौरान ये फैक्ट्री बनी हुई है अम्बा बाईपास पर, वहाँ से उस ट्रक के अज्ञात वाहन था, ट्रक जो बाइक से जैसे ही निकला उसी दौरान ट्रक से उसे टक्कर हुई और मौके पर उसकी मौत हो गई। जब परिजनों ने बगल पड़ोस में ही रहते थे, उसका जो छोटी लालर गांव है, जब उनको ये मालूम हुआ कि उस व्यक्ति की मौत हो गई, जैसे ही पूरा गांव इकट्ठा होकर और बाईपास पेट्रोल पंप के पास पहुंचा और सभी को गुस्साए परिजनों ने वहां पर चक्का जाम लगा दिया। जो नलजल योजना के पाइप थे उनको बाईपास पर रखकर और बाइकें वगैरह वो सब वीडियो में देख रही होंगी, सबको रखकर और जाम लगा दिया। और जब पुलिस को सूचना मिली तो भारी बल पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी है और परिजनों को समझा रही है जाम को ले। लेकिन उनकी ये परिजनों की ये मांगे हैं कि जो जिस वाहन ने टक्कर मारी है, जिससे उसकी मौत हुई है, उसको पकड़ा जाए जी, और उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, तो पूरी कोशिश की जा रही है, हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और समझाइश की भी कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद में परिजनों में गुस्सा फूट पड़ा। परिजन लगातार ये गुहार लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन की टीम से कि जिसने टक्कर मारी थी उस चालक को पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए।